नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के झांसी के मोट में किसानों ने मुआवजे के लिए दिया प्रार्थना पत्र। जिला झांसी तहसील मोट अंतर्गत ग्राम आमखेरा के आधा दर्जन किसानों ने आज तहसील मोट जाकर उप जिलाधिकारी सानिया छाबड़ा को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम आमखेरा के मोजे में धान, तिलहन एवं उड़द की फसल की गई थी, जो 17 और 18 अक्टूबर की बरसात में नष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि धान की फसलों में पानी भर चुका है और धान की फसल आड़ी हो चुकी है, जिसे धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इस संबंध में किसानों ने जांच करने के बाद मुआवजे की मांग की है। इस अवसर पर वीर सिंह अध्यापक, राम कुमार यादव, कोमल सिंह, मोहन कुशवाहा, राम बली अहिरवार, प्रेम नारायण सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता ऋषभ कनकने की रिपोर्ट। मेरा नाम है दादा और कहां के निवासी है? मेरा नाम वीर सिंह है, ग्राम आमखेरा के हम निवासी हैं, तहसील मोट जिला झांसी। अच्छा दादा, आज हम इसलिए आए कि जो वर्षा अधिक हो गई 17-18 तारीख को, इसमें ग्राम आमखेरा के हम लोग निवासी हैं सब, और वर्षा के कारण फसलें नष्ट हो गई, डूब गई, जलमग्न हो गई, और तिली उर्द और धान बिल्कुल नष्ट हो गई। अच्छा दादा, लगभग कितनी जो है फसल नष्ट हुई है आपके मौजे में? हमारे यहाँ 80-85% फसल नष्ट हो गई। और दादा जो है आज उप जिलाधिकारी ने क्या आशा दिया आपको? जिलाधिकारी ने ये कहा कि हम आपकी सर्वे कराएंगे।